हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन क्या होता है। व्हेन ए प्रोटीन बाइंड विद अदर ग्रुप ऑफ प्रोटीन टू एक्टिवेट ए सेल इज नाउन एज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। जब एक प्रोटीन बाइंड करती है किसी अदर दूसरे ग्रुप ऑफ प्रोटीन पर तो ये एक्टिवेट होती है सेल। इसको हम कहते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट हाउ दे वर्क। और ये डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्रोटीन का कि ये हाउ दे वर्क, कैसे वर्क कर रहे हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ मैथड। यहाँ पर थ्री टाइप ऑफ मैथड है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रक्शन की हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है इन वीवो मैथड। इन वीवो मैथड के अंदर हम पढ़ते हैं यीस्ट टू हाइब्रिड मैथड। इन वीवो मैथड यीस्ट टू हाइब्रिड मेथड पढ़ते हैं इसके अंदर हम। सेकंड मेथड है हमारा इन विट्रो मेथड। सेकंड हमारा मेथड है इन विट्रो मेथड। इस मेथड के अंदर हम थ्री टाइप पढ़ते हैं। टैगिड मेथड होता है, सेकंड होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, और थर्ड होता है फेज डिस्प्ले मेथड। इन विट्रो के अंदर तीन पार्ट है। अब थर्ड हमारा आता है कॉम्प्यूटेशनल मेथड। कॉम्प्यूटेशनल मेथड के अंदर हम पढ़ते हैं इन एक्ट मेथड। इन एक्ट एक्ट मेथड पढ़ते हैं, एम आई एन पी मेथड पढ़ते हैं, डी आई पी मेथड पढ़ते हैं, और पी आई एन डी मेथड। ये सभी मेथड कॉम्प्यूटेशनल मेथड के पार्ट है। ये तीन पार्ट है यीस्ट टू हाइब्रिड। फर्स्ट में यीस्ट टू हाइब्रिड, सेकंड इन विट्रो मेथड, कॉम्प्यूटेशनल मेथड। ये तीन पार्ट हमारे हैं प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के। अब इसके आगे देखते हैं गाइस। और प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन ये हमारा एक पार्ट है प्रोटीन ऐसे इनिशिएटिव का भी, ये किया है एक पार्ट है। बात करते हैं फर्स्ट मेथड इन वीवो मेथड क्या होता है। यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम पढ़ते हैं इसके अंदर हम। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोटीन अकर इन यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं प्रोटीन की अकर जो पाई जाती है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। दिस मेथड इज ओनली अप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यह मेथड केवल अप्लाई होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। दिस मेथड गिव 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। यह मेथड 3D स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन की, और यह इंफॉर्मेशन देता है और फंक्शन, इंफॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। बात करते हैं सेकेंड मेथड इन विट्रो मेथड क्या होता है। इन विट्रो मेथड में हमने पढ़ा था टैगिड मेथड फर्स्ट। इन दिस मेथड निकिल मॉलिक्यूल इज टैगड विद दोज प्रोटीन विच कैन बी स्टडी। टैगिड मेथड के अंदर हम निकिल के थ्रू प्रोटीन को, निकिल के थ्रू हम निकिल मॉलिक्यूल के थ्रू हम टैगड करते हैं दोज प्रोटीन वी आर वी विच कैन बी स्टडी। जो प्रोटीन हमको पढ़नी है उस मेथड, उस प्रोटीन को हम निकिल मॉलिक्यूल के थ्रू टैगेट कर देते हैं। बात करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ये सेकंड पार्ट है इन विट्रो मेथड का। अब सेकंड है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। द प्रोटीन कैन बी स्टडाइड मेक दैम रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। इस मेथड के अंदर हम प्रोटीन स्टडी करते हैं मेक दैम रेडियो एक्टिवली, जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होती है। द प्रोटीन विच एब्जॉर्ब मोर लाइट दे आर इन क्लस्टर विद वाइल अदर आर सिंगल प्रोटीन। और यहाँ पर प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है मोर लाइट, ज़्यादा लाइट, आर इन क्लस्टर वाइल अदर सिंगल प्रोटीन। थर्ड है फेज डिस्प्ले मैथड। बैक्टीरियो फेज आर प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी अगेंस्ट द प्रोटीन विच आर स्टडी। फेज डिस्प्ले मेथड के अंदर बैक्टीरियो फेज आर प्रिपेयर्ड, बैक्टीरियो फेज प्रिपेयर किया जाता है इन द लेबोरेटरी के अंदर अगेंस्ट द प्रोटीन विच आर स्टडी, प्रोटीन के अगेंस्ट स्टडी करने के लिए। बात करते हैं कंप्यूटेशनल मेथड जो हमारा लास्ट और थर्ड मेथड है। दिस मेथड फॉलो पी ए आई प्रोटीन एसे इनिशिएटिव। इट्स यूज इन ड्रग डिजाइनिंग। और इसको यूज करते हैं हम ड्रग डिजाइनिंग में भी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इन एक्ट मेथड है। इन एक्ट मेथड इज ए सॉफ्टवेयर विच स्टडी ऑल प्रोटीन। एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑल प्रोटीन अगेंस्ट न्यूक्लिक
जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके अगेंस्ट कंटेंट ऑफ ए बॉडी, दिस मेक द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये बनाता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट MINP, इट फॉलो होल जीनोम सिक्वेंसिंग, इट हेल्प इन जीनोम, ये फॉलो करता है होल जीनोम सिक्वेंसिंग और हेल्प करता है जीनोम एनोटेशन, जो जीनोम एनोटेशन है उसमें हेल्प करता है। इट फॉलो स्टैंडर्ड प्रोटियोमिक्स और फॉलो करता है स्टैंडर्ड प्रोटियोमिक्स, इट्स फुल्ली मोलिक्यूल बेस्ड, ये फुल्ली मोलिक्यूल बेस्ड रहता है, लेस देन 3 KD मोलिक्यूल और 3 KD मोलिक्यूल से कम, कैन बी स्टडाइड बाई MINP। बात करते हैं थर्ड पार्ट का, जो हमारा फोर पार्ट है DIP, इट इज टोटली डाटाबेस, DIP यह एक टोटली डाटाबेस है, इट कैन नॉट बी फिजिकली टच बिकॉज इट कंप्यूटर बेस्ड, इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते क्योंकि यह कंप्यूटर बेस्ड होता है। लास्ट हमारा है BIND, बाइंड, स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल इनिशिएटिव डाटाबेस, इट्स यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सैंपल कैन बी फिजिकली ड्रॉप इन दिस मैथड, और इस मैथड के अंदर हम सैंपल को फिजिकली ड्रॉप करते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।